आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम के मुख्यमंत्री का बयान सामने आने के बाद देश की राजनीति में एक बवाल मच गया है और वो बवाल मचना भी तय है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण के चलते टारगेट किया गया है उस पर सवाल उठना लाजमी है और उनको भी जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार अचानक से ये जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून बनाने की बात है हेमंत बिस्वा द्वारा की जा रही है वो क्यों की जा रही है और किसके इशारे पर की जा रही है, उसकी भी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा। एक एक कर असम के मुख्यमंत्री द्वारा क्या बयान दिया गया और किस तरीके से वो इसको लागू कर रहे हैं और उसका रिएक्शन क्या आया है, इन तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। इस पर ज्यादा ना बात करते हुए आपको सबसे पहले जो पार्ट में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हेमंत बिस्वा के इस बयान के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आपको बता दूं कि अभी यानी कि एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री जो हैं नागपुरी संतरों से जाकर के मिलते हैं। नागपुरी संतरों से मेरा ताल्लुक जो है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और संतरे का कलर किस तरीके का होता है वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि जिस तरीके की नफरत आरएसएस हार्ड क्वार्टर में तैयार की जाती है वो देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है और इसकी शुरुआत लक्षद्वीप और असम से हो रही है। एक दिन पहले जाकर के मुलाकात होती है। आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से यहां संघ मुख्यालय में मुलाकात की। एक महीने पहले असम के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरमा का आरएसएस का मुख्यालय का यह पहला दौरा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने संघ के सूत्रों के हवाले से बताया कि सरमा ने आरएसएस मुख्यालय में एक घंटे से अधिक समय बिताया। शर्मा भागवत से मिले, हालांकि बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। यानी कि मीडिया ये दावा कर रहा है मीटिंग में क्या बातें हुई वो नहीं मालूम, क्योंकि उसका रिएक्शन साफ तौर पर सामने देखने को मिला जिस तरीके का बयान हेमंत बिस्वा द्वारा दिया गया है। जो अब बयान दिया गया हेमंत बिस्वा द्वारा उसमें आरएसएस की पूरी भूमिका जो है वो सामने है। पहले मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जो बयान दिया गया है हेमंत बिस्वा द्वारा उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सीएम की कुर्सी संभालने के एक महीने बाद में ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अप्रवासी मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी है। शर्मा ने इसे सामाजिक खतरों से जोड़ते हुए कहा है कि प्रवासी मुस्लिम फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दें तो जमीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन कामख्या मंदिर की जमीन भी अतिक्रमण हो जाएगा, यहां तक कि मेरा घर भी अतिक्रमण से नहीं बच पाएगा। वे गुरुवार को गुवाहाटी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिक्रमण विरोधी मुहिम से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विधानसभा के पिछले सत्र में जनसंख्या नीति लागू कर चुके हैं, लेकिन जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ खास तौर पर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या विस्फोट भी गरीबी और अतिक्रमण की तरह प्रमुख सामाजिक समस्या है। शर्मा ने कहा कि जंगलों मंदिर और वैष्णव मठों की जमीन पर अतिक्रमण की छूट नहीं दी जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं दूसरे पक्ष का दबाव भी समझता हूं कि आखिर लोग कहां रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं हेमंत बिस्वा द्वारा कही गई, और साफ तौर पर जनसंख्या जो बढ़ रही है असम में उसका ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया गया। और इनके इस बयान के बाद किस तरीके से जबरदस्त प्रतिक्रिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईयूडीएफ की तरफ से आई है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कुछ कहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की तरफ से अल्पसंख्यकों के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान के बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है, ये हिंदुत्व बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी या हेमंत बिस्वा नहीं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हिंदुत्व बोल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो गरीब और शोषित लोग पर आरोप लगा रहे हैं
एआईएमआईएम चीफ ने कहा है कि लेकिन हकीकत यह है कि असम पहले से ही टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि 2.1 पर आ चुका है, जबकि राष्ट्र का टीएफआर 2.2 है। साधारण शब्दों में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ है। ओवैसी ने आगे कहा है कि आपकी सरकार को लिंग चयनात्मक गर्भपात की बर्बर प्रथा के कारण विश्व लिंग अनुपात के बारे में चिंता करनी चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि 2036 में असम लिंग अनुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरीके से ठीकरा भी फोड़ दिया, जहां मुसलमानों को कसूरवार बता रहे थे, जहां मुसलमानों को हेमंत बिस्वा टारगेट कर रहे थे। फैक्ट के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जब सामने लोगों के बात रखी तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि असम की सरकार किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इसी पर AIUDF का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की ओर से अप्रवासी मुस्लिम परिवार नियोजन को लेकर की गई टिप्पणी पर AIUDF के विधायक ने आज पलटवार किया है। AIUDF विधायक हाफिक रफीकुल इस्लाम ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए। विधायक ने कहा है कि ये कहने की बजाय कि किसी एक विशेष समुदाय के अधिक बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री को इसे नियंत्रण करने और कारण खोजने पर काम करना चाहिए। विधायक ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री 6-7 भाई बहन हैं, यहाँ तक कि स्पीकर जो हैं मौजूदा वो 8-9 भाई बहन हैं। विधायक हाफिज इस्लाम ने कहा कि ये सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कई भाई बहन का प्रस्ताव रखने का पक्षकार नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों को ज्यादा बच्चे ना करने के बारे में शिक्षित करना चाहिए, लेकिन ये भाजपा सरकार एक विशेष वर्ग के लिए काम करती है और दूसरे उपेक्षा की ओर जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करती है। तो खुले तौर पर AIUDF ने भी खुल करके कहा कि मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं और समुदाय के लोग भी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। उन्होंने नाम लेते हुए भी ये साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री खुद 6-7 भाई बहन हैं और अभी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं असम विधानसभा में, वो खुद 8-9 भाई बहन हैं। क्या इसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा? आपको बता दें कि असम के सेंट्रल और लोअर इलाके में बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ये मैसेज दिया था कि अगर वे असम के मूल समुदायों को अप्रवासी मुसलमानों से बचाने के लिए कदम उठाएगी। असम की 3.12 करोड़ की आबादी में 31% अप्रवासी मजदूर हैं, मुस्लिम हैं। चुनावों के दौरान राज्य की 126 में से 35 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तो नए नए नियम कानून थोपने की कोशिश मुसलमानों के ऊपर की जा रही है और ये क्यों किया जा रहा है इसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मोहन भागवत से मुलाकात के बाद हेमंत बिस्वा का बयान आना और हेमंत बिस्वा के बयान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIUDF का पलटवार करना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत में RSS और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का कत्लेआम कराने से भी बाज नहीं आएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।